राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पलट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पीठ पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवरों की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मनरूपी भौरे बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उनके अपने देह की सूधी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करण कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संचय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव करता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना।
राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इससे कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने असंशोभित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता राज्य करता था। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई।
वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों में भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे।